नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सच में गौतम गंभीर 2019 का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से खेलने वाले हैं कि नहीं, ये सारी बातचीत वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप सभी गंभीर या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। दोस्तों 2018 में भी ऐसी खबरें आ रही थी कि जो गंभीर है वो चेन्नई की टीम से खेल सकते हैं, तो अभी ये साल जो है दोबारा से एक और नई खबर आ रही है कि जो गंभीर है दोबारा से ऑक्शन में गए हैं और दोबारा से जो है चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें खरीद सकती है, ऐसी खबर आ रही है। आप सभी को बता दूँ कि जो चेन्नई की टीम है वो एक भी विदेशी खिलाड़ी को ऑक्शन से नहीं खरीद सकती है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय खिलाड़ी को ही खरीद सकती है। दोस्तों अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है वो एक प्रबल दावेदार है कि वो गंभीर को दोबारा से खरीद सकती है, क्योंकि दिल्ली की टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली है वो गंभीर के पीछे नहीं जाएगी। तो ऐसे में जो है जो गंभीर की एक अच्छी टीम थी कोलकाता, दोबारा से गंभीर कोलकाता की टीम से खेल सकते हैं। लेकिन एक ऐसी भी खबर आ रही है कि जो चेन्नई है वो भी गंभीर के पीछे पड़ सकती है। दोस्तों जो गंभीर है उनका चेन्नई में आने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो गंभीर है वो एक ओपनर है और चेन्नई के पास जो है ऑलरेडी सेन वॉटसन और अंबती रायडू एक बेहतरीन विकल्प है ओपनर के तौर पे, और वन डाउन पे सुरेश रैना है। तो ऐसे में जो है गंभीर की जगह चेन्नई में बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई पड़ती है। चेन्नई के लिए जो सबसे अच्छा स्थान है वो है कोलकाता की टीम का। दोस्तों बात करें गंभीर की तो गंभीर का फॉर्म चल रहा है अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी और अपना जो विजय ट्रॉफी है डोमेस्टिक में, वहाँ पे गंभीर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में जो है गंभीर को आईपीएल का भी बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो जिस टीम के पास कप्तानी का विकल्प नहीं है वो जो है गौतम गंभीर के पीछे जा सकती है, गंभीर जो है उनको एक बेहतरीन कप्तानी करके दे सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी के हिसाब से कि क्या गंभीर चेन्नई या फिर कोलकाता किस टीम में खेल सकते हैं बताइए नीचे कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।